जय जगन्नाथ रोकठोक को आपन को स्वागत करछु मु दुर्गा आशीष आज यस आसी की माडा हैला उत्तर ओडिसा उपकूल रे एवं सबुठू जहां चिंताजनक कथा एया थिला जे मोट उपरे 6.5 लाख रु अधिक लोकन को स्थानांतर करा जायथिला तांकू सुरक्षित स्थान को न्याय जायथिला एथि पई जे तांको मुंडो उपरे पक्का घर टिए नथिला एवं जेहेतु मुंडो उपरे पक्का घर टिए नथिला सेथि पई तांकू बात्या आश्रय स्थल स्कूल घर एवं अन्य स्थान को न्याय गला जोठि कि करोनार पूरा पूरी भय रही आतंक रही भी अनेक लोक सेमिति बात्या को सामना कले किंतु बात्या आश्रय स्थल को गले नहीं एवं ए प्रश्न एबे आसुची जे जो कथा बीजेडी 2014 रे कहिथिला आवास सुरक्षा 2019 सुधा समस्तक मुंडो उपरे पक्का घर दब 2019 गलानी से प्रतिश्रुति कुआडे गला ये देखंतु स्लोगान एबे प्राकृतिक विपर्य को नाही डर आम पई नवीन सरकार निर्माण करिछंती पक्का घर ये मो कच्चा घर एबे होईछि पक्का घर ये होउछि बीजेडी रो स्लोगान जदि कच्चा घर पक्का घर हो जाइछि ताहले 6.5 लाख लोकन को इवाकुएट काही की करा गला जदि सब समस्तक मुंडो उपरे पक्का घर अछि ताहले डिसेंबर मास रे मुख्यमंत्री काही की केंद्र सरकार को बात्या रे भांगी जाइथिबा 13 लाख घर पई चिट्ठी लेखिले ये प्रश्न एया दर्शौछि जे कागज कलम रे 28 लाख लोकन को घर दिए दे जाइछि किंतु रियलिटी आ ओटे अलग एवं जिए थिला वाला ताकू मिली नथिला वाला को मिलूनी बहुत रिएक्शन एया भी आसिला जे जेहेतु आमे दलियो लोक नुह सेथि पई आमकु घर टिए मिलिलानी मुंडो उपरे पक्का घर टिए मिलिलानी बात्या को सहिबे वर्षा को सहिबे एवं ये स्लोगान देबे जे मुंडो उपरे पक्का घर अछि रियलिटी चेक करिबा आज बत्या रे किबळी भावे प्रभावित होइछंती लोके मो सहित ग्राउंड रु रिपोर्टर माने जोड़ी हेबे एवं मो सहित अछंती संतोष जेना अछंती हम प्रतिनिधि एवं मो सहित अछंती प्रभात लेंका संतोष आपनको ठारु आरंभ करिया पई चाहिबी आज आपण धामरारु चित्र बहुत देखैले सारा ओडिसा देखिला धामरारु चित्र आपण इंटीरियर एरिया को जाइथिले लोकक पाखु जाइथिले लोकक समस्या को सामना को आनिले ए जो कच्चा घर पक्का घर रो तथ्य जे मुंडो उपरे पक्का घर किंतु आपण तो रियलिटी देखिले धामरा रो विभिन्न स्थान को गले रियलिटी कौन अटिके दर्शक आगे रखंतु संतोष निस्तापे दुर्गाशीष सरकार को पासपोर्ट कथा तले सामना को आसुची सेते बेले ग्राउंड जीरो रु आमे आमो चैनल माध्यम रे किछि प्रतिक्रिया सुनिया को चाहुचु सरकार को बोध हुए ए प्रतिक्रिया सुनि सारिबा परे सरकार आपे आपे बुझि जिबे जे बात्या यस आसी किभली भाव रे तांडव रचिछि एवं तांडव रचुआ पड़े लोकों मध्य किभली भाव रे हाकार परिस्थिति सृष्टि होइछि आ लोकों घर मिली ना एपर्यंत से कच्चा घर रुते जो कि आज बात्या यस तांडव शिकार होती प्रथम आपण आरंभ करी मो सह आप घर भांगी हाँ सर मोर जुड़े घर सारे भांगी मोर हाँ कौन पड़ी नड़िया गच चाकुणा गच पड़ी मोर जुड़े घर सारे भांगी हाँ मौसी आप घर भांगी घर मिनिमम 20-25 घर भांगी भांगी साई रे 20-25 घर भांगी घर घर घर
गाबू मान के आसिले ना कई आसी ना आमको कई देखा देखा दुर्गाशीष आपको प्रतिक्रिया सुनाऊ जड़े कि दुई जन नुह एमती अनेक लोक अच्छा कोरोना पाई आम समस्त प्रतिक्रिया दर्शक को शुण पारुनु हुए तो आप प्रतिक्रिय बुझी पारे जे ग्राउंड जीरो रे सरकार ये बासपोर्ट केते प्रमाण है एवं लोक मान स्थिति एवं एतिकी लोकों को आम आपको देखा जोटी कोरोना पाई अधिक लोक आम डाकुनु जोटी लोकंर क्षय क्षति घटी समुद्र कूल अंचल लोक मैंने लोक कहते सरपंच आसी ओके संतोष जेना ग्राउंड रु रेखौछन्ति रिपोर्ट एवं ये पंचायती राज मंत्री प्रताप जेना आपण उत्तर रखंतु आउ आपण जो तथ्य रखुछन्ति जे 28 लाख लोकों को पक्का घर देइछन्ति ये तार रियलिटी ये तार सत प्रतिटि लोक कहउछन्ति आम घर भांगीछि आमर चाळ छपर घर ताहले 28 लाख लोक किए एमाने काहिकि योग्य हिताधिकारी नुहन्ति एमानंकु काहिकि पक्का घर टिए मिलिलानि जदि पक्का घर टे था आज ये रास्त न था बात्या आश्रयस्थल करोना भय को लेकिन आतंकित अवस्था न था केन्द्रापड़ा जी रियलिटी चेक करवा प्रभात केन्द्रापड़ार चित्र कौन संतोष देखले धामरार चित्र सबु लोक एक कहते जे आम मुंड पक्का घर ना केन्द्रापड़ार चित्र टी देखा प्रभात केन्द्रापड़ार चित्र टी देखा प्रभात देख दुर्गाशीष गोटे प्रकार स्थिति जी कह संगीन जदि राज्य सरकार कहते मुंड ऊपर अच्छी छात घर बन्या बात्या को ना डर तेज आम सीधा साल चित्र आपको देखा ये रही महाकड़ा निर्वाचन मंडल चित्र देखु पूरा चाल छपर सब उड़ी जा लोक बेसारा हो जो रही वृद्ध माँ बापा जी रही पर सी बर्तमान नर्तमान आश्रयस्थल रोचा तक पुओ जी अच्छा मो सहित सीधा साल जोड़ी होती सहित मुझे कथी देखूँ कौ अवस्था रही पर चित्र ये चित्र रही महाकालपड़ा निर्वाचन मंडली बेरुआ पंचायत चित्र रही चित्र आपको मुझे सीधा साल दुर्गाशीष देखा तेरे सरकार योजना निश्चित भाव फेल मारी जदि कह आम राजनगर ठू आरंभ कर महाकालपड़ा अंचल जो स्थान आम आपको देखु दिन तमाम देखे दुई दिन धरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखु से चित्र हूँ यही चित्र जे कि विकास चित्र जो विकास को नहीं राज्य सरकार डिंडिंग पिटुंट जो राज्य सरकार को नहीं बर्तमान माननीय मुख्यमंत्री ठू आरंभ कर पंचायत राज मंत्री डिंडिंग पिटुंट पंचायत राज मंत्री जी अच्छा प्रताप जेना सी सब कहते केन्द्रापड़ार विकास कथा कहती सीधा साल मुझे प्रश्न करने को चाहूँगी सी देखु ये महाकालपड़ा अंचल चित्र कौन रही जदि चित्र रही सी जब देखिपारे तेज निश्चित भाव गत आसंता निश्चित भाव कह दुर्गाशीष मु कैमेरा पर्सन उमेश को कह सीधा साल चित्र देखे और जी अच्छा पुओ बुलू बेहरा अच्छा सहित कथा आज्ञा जो चित्र रही घर भांगी जाए कौन के गाँव के लोक घर भांगी जाए गाँव हरारी 15-20 लोक घर भांगी जाए आम पर मो बो अच्छा बनिया आश्रयस्थल अच्छा बर्तमान मत कही देखा आसबू घर देख ला कि ना भांगी रुचि सब जा सब नष्ट हो जाए ना आमको घर मिलना टोटाल मिलना टोटाल मिलनी तो आप गाँव घर कचा घर भांगी जाए आम गाँव में 15-20 घर पाखापाखी घर जानते रवींद्र बारिक दिलीप बेहरा फकीर बेहरा रिएक्शन नियंतु एवं समान को पचारंतु जो माने तांकर निर्वाचित प्रतिनिधि से अतनु सब्यसाची नायक हुंतु सांसद अनुभव महांती हुंतु जो माने को सेने वोट दैछंती सेने आसिकी तांकर कथा बुझुछंती कि घरटिए पई प्रयास करूछंती कि देखन दुर्गाशीष कहिया महाकालपुर अंचल सब स्थिति संगीन थाए बन्या बात्याठ आरंभ करके लगा वर्षा सब समय अवस्था बेहाल थाए तेज आम सहित सीधा साल जोड़ी होती जड़े मऊसा फकीर बेहरा प्रतिक्रिया ना मऊसा आपण जो घर भांगी जाए कत वर्ष धरी आप घर पाई बहुत दिन है घर पाई ना ये संबंध में आज क्या क्या अवगत कर घर पाई जन सरपंच जानते हाँ विडीओ हाँ विधायक जी अच्छा अतनु भाई अतनु हाँ जन कौन दुख बुझुना ना बुझीना बुझी बुझीना घर भांगी जाए बास्ता स्थल घर रोज रोच आम स्त्री रही पुओ झी नाती
ये सब अच्छा सब खाद्य तो प्रभात जदि पॉसिबल हबो मु आपन को अनुरोध करबि टिके घर को देखांतु टिके कैमरा को कोंतु टिके घर देखैबे मौसा को घर को टिके देखा निश्चित भाबे उमेश उमेश को कहू छी कैमरा पर्सन से घर देखैबे से भंगा कुडिया को देखैबे चाला छपर सब उड़ी जाय छी वास्तव क्षेत्र जते 120 किलोमीटर बेगर पवन बोई छी से 120 किलोमीटर बेगर पवन बोईबा परे ये घर भांगी जाय छी त अनेक कथा कहबे ये ए पंचायत न बेरवा पंचायत न जदि कहबा मंगराजपुर किबा बटरा सब अंचल रो आम का देखू चित्र ग्राउंड रे तो चित्र निश्चित भाव देखू बर्तमान तो रातर बर्तमान बर्षा बात्या आश्रय स्थल को जाते ना ये लड़की बात्यार मुकाबला कले रही निश्चित भाव में कह दुर्गाशेष बात्यास्त को जाते जितेबाला घर भांगी जाता से ही परिप्रेक्षर ये गाँव रुवक समाजसेवी मैंने रेस्क्यू कर तेज प्रशासन तरफ कौन से अधिकारी एम को डाकि नेबे परे परे सरपंच स्थानीय सरपंच रंधा खाद्य जोगाण देते तेज जदि कह जो कोविड सेंटर कोविड रही कोरोना महामारी तेज ये जो बात्यास्तल में जो शताधिक लोक रही अति असुरक्षित भाव में रही गोटेपटे कोरोना महामारी चली बेले ये जो लोक रही ये जो बात्यास्तल लोक रही स्थानीय सरपंच हूँ कि निर्वाचित प्रतिनिधि जो माने हूँ विधायक हूँ सांसद हूँ एने जगह को जाती कि आगुरु आलर्ट कर कि यहाँ तो काम तर सुरक्षा दायित्व से निर्वाचित कर देख दुर्गाशेष कह जो साधारण जनता टिकस निश्चित भाव रही मानवर विधायक अच्छा सांसद अच्छा से साधारण टिकस साधारण जनता टिकस बुलूंज लग्जरी एसी गाड़ी में जदि कह घटनास्थल में पहुँची पार ना जदि दुर्विपाक समय रोचे जदि कौन व्यक्ति मरी जाऊँगी पर जो बात्या बना छाड़ जाए समय संवेदना जन अच्छा ये कि बास्तव रियालीटी शो ये शो निश्चित भाव साधारण जनता यहाँ निंदा करम केन्द्रापड़ा लोक निजे लड़ुं ये लोक माने आगरे लोके निजे लड़ुंती ना एठी विधायक जाइछंती ना सरपंच जाउछंती ना सांसद जाउछंती फोन लाइन खोली दे कि हेल्पलाइन खोली दे कि चुप बसी गले घरे एठी पीड़ित जो माने तांको निर्वाचित करिछंती वोटर मालिक से माने हैरान होउछंती तांको मुंडो उपरे घर नाही सीधा जीवा संतोष आपन रिएक्शन नउथिले समस्ते कहउछंती जे मुंडो उपरे पक्का घर नाही से माने को खाली प्रतिश्रुति आ से माने प्रतारित होउछंती वर्ष वर्ष हैला संतोष देखो निश्चित भाव आज जिते बात्या आसी हूँ तो सरकार मुखा खोली आप जाने आश्चर्य हे दुर्गाशीष सरकार जो स्थानांतरित तो प्रक्रिया कथा कहते हैं अनेक प्रकार त्रुटि विच्युति घटी जो गुड़िक फोकस एरिया जो लोकंर नजर अच्छी से लोके निज व्यवस्था जाते कि व्यवस्था को सरकार खातार हिसाब कले अनेक लोक अच्छा जो मैंने चाल कुड़िया करजबेस्ट घर कर सरकार विश्वास ना भरोसा भी ना जो घर छाड़ जा नवने से घर भितर थे आज बात्यार घर उजुड़ी गला भी सरकार विश्वास रखि ना पुणि थे सरकारी बाबू मैंने आसवे से क्षय क्षतिर आकलन करेंगे कौन सहायता मिली से निज व्यवस्था निजे अच्छा कहीं प्रत्येक लोकों कम्प्लेन प्रत्येक वर्ष बाबू आसुंच प्रत्येक वर्ष निर्वाचन बेले जो निर्वाचित प्रतिनिधि मैंने जो मैंने कैंडिडेट होती आसुंच जितुंच कि प्रत्येक वर्ष बात्या आसूँ क्षय क्षति घटू कौन लोकंर देखा ना कि कौन लोकंर संपर्क लोकों सहित आउना एवं ये बात्यार गोटे कथा स्पष्ट है हे तो एसआरसी 6.5 लाख स्थानांतरित कथा कहीकि निजे खुशी होते किंतु लोक मैंने कौन प्रकार से स्कूल घर को जाइना जो विद्युत व्यवस्था ना जो खाइबार व्यवस्था ना जो कोरोना जनित सचेतनता ना से के लोक के जाती जगह को जो गवर्नमेंट स्कूल को लोक सरकार कही पलिजापी मन इच्छा लोके के लोक मैंने धर्जर सहित अपेक्षा करते समस्ते निज व्यवस्था जाते आज व्यवस्था देखने सरकार देखिले जे बालीमुंडा बस्ती बस्ती फांका जाए ची। जे से बस्ती 5000 लोक एटू रिपोर्ट गला जे 5000 लोक स्थानांतरित हेले किंतु 5000 लोक कोठी की गले एक सरकार केबे कहले 5000 लोकों को 2000 लोक से बंधु से संपर्कियों घर रही एक सरकार कहनी सरकार देखिले जे पवन बहुची जगह फांका अच्छी तो से हिसाब सरकार खातार पकेले हुए तो रियलिटी जब चेक कराइता सरकार जब वास्तव में ग्राउंड जीरो को आसी एसआरसी देखिथांते ताले हुए तो से कच्चा घर दुखर परिस्थिति देखिथांते एवं बात्या आसवा पूर्वर सरकार को उपरे विश्वास भरोसा छाड़ी लोक माने किबळे निज व्यवस्था जाउछंती से बड़ कथा सरकार निज सहयोगी संतोष जो प्रसंग आनुछंती ये बड़ प्रसंग जे जो मान को इवैक्यूएट करा गला से माने कोठी गले तार हिसाब देबे कि एसआरसी एवं लोकंकर ए शासन व्यवस्था उपरे प्रशासन उपरे बिल्कुल भी भरोसा नाही।
ଏଠି ଲୋକ ଆଗରେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆମକୁ ଯେ ଲୋକେ ନିଜେ ଜେନେରେଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଲୋକ ଆଗରେ। ଆଉ ଏଠି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ଇଏ ରିଆଲିଟି ନୁହଁ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ ପୁଣି ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଇଛି। ଫନି ଯାହା ଦେଖାଇଥିଲା ୟସ୍ରେ ବି ସେଇ ଚିତ୍ର। ଏସ୍ଆର୍ସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ 6,50,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲୁ, ଇଭାକୁଏଟ୍ କଲୁ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାହିଁକି ହେଇଥାନ୍ତେ? ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କରୋନା ଆଉ ବାତ୍ୟା ଏ ଡବଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 2014 ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ରିଆଲିଟି କ'ଣ। ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଆମ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ପ୍ରଭାତଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଉଥିଲି, ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଉଥିଲି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନଙ୍କର ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ପ୍ରଭାତ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି, ତାପରେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ଆସିବି। ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ। ବିଶ୍ୱଜିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ କି ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା କି ଯଦି ପକ୍କା ଘର ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେ ନିଜ ଘରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ। କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି? ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥିଲା, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥିଲା, ପାଖାପାଖି 120 ପରିବାର ରହିଥିଲା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 40-50 ଘରେ କଚ୍ଚା ଘର ରହିଥିଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଇଥିଲୁ, ସେ କହିବା କଥା ସେ ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠିକାର ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ସେ ବାରମ୍ବାର କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ନୁହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ 2 ମାଉସୀ ରହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ମଉସା ମାଉସୀ ରହୁଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସେ ସବୁବେଳେ କଚ୍ଚା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରୁନାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେଉନି? ଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି। ଏ କଥା ଯଦି କହିବା କଟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛୁ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରାଜନଗରରେ ଦେଖାଇଲୁ କି ବାରମ୍ବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କ କଥା ସେ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ନିହାତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏ ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଅମୁକ ଦଳର ନୁହଁ, କ୍ଲିୟର କଟ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଶାସକ ଦଳର ନୁହଁ ବୋଲି ଆମକୁ ଘର ମିଳିବନି। ଏ ଯୋଜନା କ'ଣ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ଏ ଯୋଜନା? ଏ ଆବାସ ଯୋଜନା କ'ଣ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ସୁପାରିଶରେ ଘର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାକୁ ମିଳିବନି, ଏଇ ଆଧାରରେ ଯେ ସିଏ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ନୁହଁ, ସେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିନାହିଁ। ଇଏ ଆଧାର, ଇଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଇଏ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଆଧାର। ପ୍ରଭାତ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି, ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯଦି ଅଛି, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭାତ, ଏ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରକୁ ନେଇକି ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସମୟ କମ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖେ। ପ୍ରଭାତ ସଂଜିତ ରହିଛି, ଯଦି କହିବା ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ କର୍ମୀ ହେଉଛି ତାକୁ ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି ବେରୁହାଁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉ ସିଧାସଳଖ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ତହିଲା ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ସକାଳେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଥରୁ ଚୁଡ଼ା ମୁଠା ମୁଠା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ଗୁଡ଼ ଟିକେ ନେହା ସେମିତି ଖାଇ ରହିଲୁ, ତାପରେ କହିଲେ ମାସ ରମିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାସ ଫାସ ଅଛି ନା, 200 ଆସିଛି କିଲା ଗୋଟା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଛି? ଘର କାଠ ମାଠ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଘର 20 ଖଣ୍ଡେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଲୋକ ସବୁ ଆସି ବାତ୍ୟା ଥିଲା, ଆମେ ହଇରାଣ। ଚାଳ ଛପର ଘର ନା? ଚାଳ ଛପର ଘର ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଘର ମିଳୁନି? ନା, କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳୁନି ଆପଣ? କ'ଣ ହେଇଛି ଆମକୁ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଘର ପାଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆସିଛି 10 ହେଲା, ବିଜେଡ଼ି ବୁଲି ବୁଲିକି ଆମ ଅତନ ବାବୁ ସବୁ ନେଇକି ଆକୁ ତାକୁ ତାରି ପାଟି ଲୋକ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଦେଉନି, ଏଇଆ ହେଉଛି ଖୋଲା କଥା। ଆଉ ଆପଣ ଅତନ ବାବୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କୁ? ହଁ, ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଅତନ ବାବୁ ଲେଖିଯାଇନି କିଛି ନୁହଁ। ଆମ ଘର ଚାଳ ଛପର ଘର, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ବନ୍ଧ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଘର ବି ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ସେଇ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ ଜଣେ ଥିଲି, ତେଣୁକରି ଆଗେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରାବାସଟି ମିଳୁଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ 15,000-17,000 ମିଳିଲା, ଆଉ ସବୁ ସରକାରୀ। ଓକେ, ସମୟ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଏବଂ ଆମ ସହିତ
ଭାମରାରୁ ଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସିଲା ସେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶାସକ ଦଳକୁ ନୁହଁ ବୋଲି ଆମକୁ ଘର ମିଳୁନି। ଇଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଭୀଷଣ ଡର। ଏମାନେ କରୋନାକୁ ଭୟ କରିକି ଗଲେନି, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେନି ଏବଂ ସାମ୍ନା କଲେ ୟଶର। ଏଠି ଲୋକ ଆଗରେ ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ମୁଖା ଖୋଲି ଯାଇଛି, ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛି ୟଶ, ସେ ବାତ୍ୟା ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଫନି ଯାହା ଦେଖାଇଥିଲା ଏଥିରେ ବି ସେ ସାମ୍ନା ଆସିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ତାହେଲେ 28 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ୟା ସହିଛି, ରୋକଠୋକ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।